Professor Manju Rai, English Department of CM College के सभी शिक्षक छात्र छात्राओं, English Department जिंदा है इसका सबूत है कि आप सब यहाँ बैठे हैं। Department of English CM College ट्रेडिशनल शो है ये कि पहले से भी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश इस तरह का इवेंट प्रोग्राम आयोजित करता रहा और छात्र छात्राओं के लिए यह कार्यक्रम टैलेंट सर्च प्रोग्राम है। ये आपके अंदर जो टैलेंट है उसको सर्च करने के लिए ये प्रोग्राम सभी विभागों के लिए, नॉट ओनली फॉर द इंग्लिश ऑल्सो फॉर द अदर्स डिपार्टमेंट्स को इस तरह कार्यक्रम करना चाहिए कि हम बच्चों को, हमारे जो बच्चे हैं सबों के पास कोई ना कोई छुपी हुई प्रतिभा है। और ये जो कॉलेज है, शैक्षणिक संस्थान है, उसका काम क्या है? उसका काम पाठ्यक्रम के अतिरिक्त उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, कोई बहुत अच्छा पेंटर है, कोई बहुत अच्छा सिंगर है, कोई बहुत अच्छा रनर हो सकता है, एथलीट्स में हो सकता है, चेस खेल सकता है। अभी उस रोज युवा का कार्यक्रम हुआ, हमारी एक बच्ची ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि युवा के जो टीचर थे वो कह रहे थे हमसे कि कोई छात्र आ ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है। और उसने ये कार्यक्रम था तो मैंने यहाँ से जब किया तो 5-6 बच्चे ने जाके नाम लिखाया और जो बच्चे ने नाम लिखाया वो टॉप कर गई। सत्य यह है कि इस तरह के कार्यक्रम का होना, इसीलिए मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट्स के सभी शिक्षक को बधाई के साथ साथ आभार व्यक्त करता हूँ आपका कि आपने इस तरह का कार्यक्रम किया। पहले भी यहाँ जब मंजू जी यहाँ थी, प्रमानंद जी थे, तो ये लोकेशन प्रोग्राम, स्पीच प्रोग्राम, इस तरह के इवेंट यहाँ हुआ करते थे। आपने उसको जारी रखा है, इसके लिए भी साधुवाद। आप लोगों में से किसी ने लुसुन का नाम सुना है? कोई हाथ उठाएगा? लुसुन कोई आदमी इसमें से नहीं सुना? डोंट वरी, कोई बात नहीं। जिस तरह से हमारे यहाँ प्रेमचंद बहुत बड़े कहानीकार हैं, उसी तरह कंटेम्पररी उसके चाइना के लुसुन बहुत बड़ा राइटर है, जैसे कि चेखव रूस में था, है ना, उसी तरीके से गोर्की जैसे था, है ना, उसी तरीके से लुसुन भी है। तो लुसुन की एक बहुत अच्छी कहानी है जिसका अंत यह है, अंत का जुमला यह है कि चलो हम इस पर यकीन करें जो अब तक आदमखोर नहीं हुआ, हम इनके मस्तिष्क पर कुछ भी लिख देंगे वो सुनहरे भविष्य के लिए गारंटी देगा। उस कहानी का अंत इसी जुमले से होता है और वो पागल की डायरी है कि वो रोज लिखता है अपने बच्चों के लिए। तो कहता ये है कि वो जो सामने बच्चे हैं उसका जो ज़हन है वो कोरा कागज है, दुनिया आदमखोर हो चुकी है। आदमखोर का मतलब कि वो अपने इच्छाओं में सब में जुड़ गया है, लेकिन इसके मस्तिष्क पे जो हम लिखेंगे वो कल का भविष्य होगा। यानी आप ही तो कल के भविष्य हैं। तो लुसुन ने चाइना में उसे बहुत ही सम्मान की दृष्टि से आज भी देखा जाता है, क्योंकि उसकी कहानियां है जो है वो कहा जाता है कि चाइना को एक विल पावर देने में बड़ा काम किया है। तो आपके जो मस्तिष्क हैं उस पर जो ये लोग लिखने का काम कर रहे हैं वो आपके भविष्य के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। आप जो कुछ जहां जितने बच्चे बैठे हुए हैं उनके हाथों में ही तो कल का भविष्य है, चाहे वो आपके परिवार का भविष्य हो, चाहे वो समाज का भविष्य हो, किसी राज्य का भविष्य हो, किसी देश का भविष्य हो,
वो है। आज विडंबना यह है कि हम इन कोरे कागज पे क्या लिख रहे हैं ये नहीं समझ पा रहे हैं। हमें ऐसी तरह के कार्यक्रम के जरिए सकारात्मक चीजें देनी है। कंपिटेटिव संसाधन का सबसे बड़ा देश बन गया है, और जब कोई देश मानव संसाधन का बड़ा बनता है तो वहां प्रतियोगिताएं प्रतिस्पर्धाएं बढ़ जाती हैं। आज आप एक नौकरी के लिए निकलेगी वैकेंसी 1,000-1 करोड़ लोग भर देंगे, क्योंकि हमारे पास मानव संसाधन बहुत है। तो क्या करना होगा उसके लिए, ये जो टैलेंट है, कंपिटेटिव कंपटीशन की भावना, प्रतियोगिता की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना, वो यहीं से जन्म लेती है। ये जो आपने स्पीच का कराया होगा उसमें 10 बच्चों ने लिया होगा, उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए होंगे, एलोकेशन में भी उसी तरह हुआ होगा, कई बच्चों ने लिया होगा। हर आदमी के जो लोग पार्टिसिपेट किए होंगे, अपना नाम इन्वॉल्व किए होंगे इसके लिए, स्पीच के लिए, वो अपनी तैयारी में लग गए होंगे कि हम फर्स्ट आ जाए, सेकेंड आ जाए, थर्ड आ जाए, जो जो भी अपने किया होगा, हर की इच्छा रही होगी कि हम सब में अच्छे हो जाएं। इसी भावना को उत्पन्न करने का नाम शैक्षणिक संस्थान है। शैक्षणिक संस्थानों का काम केवल आपको फेल पास करने की डिग्री नहीं देना है, आपके टैलेंट को उजागर करना है। और आज की दुनिया, ये जो ग्लोबल विलेज बन गया, वहां जिसके अलग किसी चीज की भी टैलेंट हो वो बेरोजगार नहीं हो सकता। इसके अंदर जिस चीज का टैलेंट हो, जैसे टैलेंट हो, वो उसका उपयोग कर सकता है। इसीलिए मैं पुनः डॉक्टर मंजू राय के प्रति भी, चूंकि डॉक्टर की देखिए डॉक्टर मंजू राय को आप प्रोफेसर को बुलाया आपने, वो अपने घर में आई हैं, वो है ना, क्योंकि यहीं से गए हैं वहाँ पूरा है ना, वो मीर का शेर एक मोमिन का है कि इस साड़ी तो कटी इसके बुताब में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। ये तो आखिरी वक्त में वहाँ गई हैं, पूरा का पूरा वक्त उनका सीएम कॉलेज में गुजर गया तब वहाँ गई हैं, लेकिन वो अपने घर में आई हैं, लेकिन मेहमान के तौर पर आई हैं। अच्छी बात है कि उन्होंने सीएम कॉलेज को ये समय दिया है। सभी शिक्षक धन्यवाद के पात्र हैं, और सभी छात्र जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जिन्होंने नहीं लिया अगली बार लेंगे। खास करके लैंग्वेज जो है, जो छात्र पढ़ते हैं उनके यहाँ दो चैलेंजेस हैं, खास करके जो नन जो हमारा हिंदी बेल्ट है वहाँ के बच्चे, कि वो इंग्लिश तो रखते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, लेकिन उनके फोनेटिक्स जो हैं वो सही नहीं होते। परिणाम ये होता है कि अंग्रेजी जानते, लिखना अच्छा जानते, लेकिन आप बोल नहीं कर सकते, कन्वर्सेशन नहीं होता, टॉक नहीं हो सकता, डायलॉग आप नहीं कर सकते। हमें कोशिश ये होगी हमारी कि हम लोग उसे ये जो आपस में बातचीत है वो कराएं, है ना, एक बच्चे दूसरे बच्चे से बातचीत करें। वो अगर नहीं हुआ तो वो डिग्री लेकर के भी एप्लीकेशन जो है वो हिंदी में ही लिखता है, उसमें भी गलतियां होती हैं। तो उस पर हमारे कोशिश होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी पढ़ा रहे हो तो हिंदी वाले को भी कोशिश होनी चाहिए, उर्दू वाले कर रहे हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि बच्चों का तलफ्फुज़ जो है उसका क्या होना चाहिए, अंग्रेजी वाले कर रहे हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, है ना। हमारे बच्चे व्हाट को व्हाट ही बोलते हैं, तो वो नहीं, रीजनल इन्फ्लुएंस है, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसको साफ कर सके। वो होगा, हम मल्टीलिंगुअल कंट्री में रहते हैं, हम उसको बदल नहीं सकते, और यही हमारी डाइवर्सिटी है, और वही हमारी खूबी भी है, विशेषता भी है, कि विविधता में एकता जो हम कहते हैं वो हमारा प्रमाण है, वो उसको हम नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि हम ये कह रहे हैं कि तनिमा जो है बहुत अच्छी हिंदी बोल दें, वो नहीं बोल सकती हैं, है ना, और मंजू जी मैथिली बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता रहने के बावजूद भी, क्योंकि वो तो एक फोनेटिक्स जो होता है बाय बर्थ होता है, जो हम जहाँ से आते हैं जिसको हम मदर टंग कहते हैं, वो एक अलग बहस है कि जो लोग
पढ़ा रहे होंगे लिसानियात लिंग्विस्टिक कि मदर टंग कोई होती नहीं है, है ना, तो मदर है क्या, तो बहस उसको एक अलग बहस है, तो वो एक दूसरी चीज है। लेकिन कोशिश ये करें, पढ़ने लिखने का मतलब यह है कि जो जितना बोलें वो शुद्ध बोलें और बोल सकते हैं, वो सिर्फ ये है कि आप सचेत हो जाएं, जिसको हिंदी में कहते हैं ना कि जब बोल रहे हो तो सचेत हो जाएं कि हम बोल क्या रहे हैं। आजकल हमारे बच्चे क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा बन गया है समाज का कि वो क्या बोल रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ बोल के चले जाएंगे, है ना। नतीजा ये है कि पूरे जीवन में इसका असर पड़ जाता। आप जो बोल रहे हैं खुद अगर सचेत हो जाए कि खौ बोलना है या कौ बोलना है, खौ बोलना है या खौ बोलना है, ये जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उन पे अंतर है। ये उर्दू वाले को तो बड़ी आसानियां हैं कि उनके पांच पांच उसी तरह पढ़ा लिया जाता, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि हम किस तरह से कर रहे हैं। ये प्रोनाउंसिएशन जिस दिन सही हो गया आपका, है ना, उस दिन आप अधिक जो दुश्वारियां हैं आपकी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो अंग्रेजी डिपार्टमेंट इस तरह के कार्यक्रम को करता रहेगा। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इंग्लिश डिपार्टमेंट डॉक्टर सुब्रत, डॉक्टर तमीमा, डॉक्टर सांबली, डॉक्टर उम्मे सलमान, इब्राहिम, मनोज सिंह जी एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट अर्चना, डॉक्टर अर्चना। एंड आई थिंक एज सर मुस्ताका सर ऑल्सो सेड, माय हैप्पीनेस इज ऑन माय फेस, एक्सपीरियंस फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। डे बिफोर यस्टरडे सुब्रत कॉल्ड मी, आई वाज इन सेमेस्टर वन क्लास एंड ही कैजुअली सेड मैम आएंगी, आई सेड क्यों नहीं आऊंगी, जैसा सर ने कहा मैंने 31 साल यहाँ गुजारा है और सर ही गवाह है कि मैंने कभी पीजी जाने की कोशिश ही नहीं की। जब मेरी बारी आई तो मैं हेर नहीं कि जब आप मैं कहती भी थी ऐसा सुब्रत ने कहा, आई एम वेरी ओपन माइंडेड एंड आई स्पीक वेरी ब्लंटली समटाइम्स, कि जब यूनिवर्सिटी मुझे बुलाएगी, और सर का बहुत इसमें रहा है योगदान मुस्ताक साहब का, जब ही वॉज द फर्स्ट टू कॉल मी व्हेन आई वॉज टू गेट द हेडशिप, so I jumped and I said yes, yes, क्यों नहीं आएंगे, सब हो जाएगा, so many teachers are on leave because December is known for CL उत्सव, so they are enjoying it and the subject also I was not aware. Today morning I came to know that it is on female education and women empowerment, but for these things I don't need to prepare women empowerment, and I like to give examples, I like speaking in a conversational mode. When I joined myself and there was another teacher, Arunima Singh, who was head also, we joined together, somebody at the back, first I am apologizing to the principal sir and boys also, I am not against men, but this is a men dominated world, patriarchy is in our veins. So somebody commented, are you, Mustafa sir said, I can't speak fluent Marathi. I can speak, but my pronunciation may be not that much perfect as a born Marathi. कॉलेज की हर खबर सबसे पहले आपको इस YouTube के चैनल से मिलता है। हम कॉलेज में हो रहे एडमिशन, एग्जाम, क्लासेस, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप, सेमिनार्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्स इत्यादि से संबंधित सभी जानकारी विस्तृत रूप से अपने इस YouTube चैनल पर आपको मुहैया कराते हैं। कॉलेज की तमाम गतिविधियों से रूबरू होने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।